उन्होंने कांग्रेस सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी की। 24 जुलाई मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने सरकार की डोडा चूरा नष्टीकरण नीति पर विरोध जताया और सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में मांडलगढ़ उपखंड कार्यालय SDM के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान किसानों ने कांग्रेस गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मांडलगढ़ विधायक खंडेलवाल ने पत्र में बताया कि पिछले 2 वर्षों में किसान डोडा चूरा खेतों में ही नष्ट कर चुके हैं। विधायक ने कहा कि अफीम किसानों ने गत वर्ष भी डोडा चूरा नष्टीकरण के खिलाफ आंदोलन किया था। डोडा चूरा नष्टीकरण की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की थी, लेकिन अत्यधिक बारिश होने से किसानों ने डोडा चूरा खेतों में ही नष्ट कर दिया। चंद व्यक्तियों द्वारा तस्करी के लिए डोडा चूरे का दुरुपयोग किया जाता है, जिसकी सजा भी किसानों को क्यों दी जाए। पिछले दिनों जिला आबकारी अधिकारी उदयपुर ने 5 जुलाई 2021 को जारी की गई सूचना में फसल वर्ष 2019-20 व 21 के डोडा चूरा के लिए अलग अलग विवरण प्रस्तुत करने को कहा है, जबकि पिछले 3 साल में किसानों ने अपने स्तर पर डोडा चूरा खेतों पर ही नष्ट कर दिया है, जिसका मुआवजा मिलना चाहिए। विधायक ने मांग की कि डोडा चूरा जलाने के बजाय खेतों में ही डालने की स्वीकृति दी जाए। विधायक ने मांग की है कि वर्ष 2019-20 के संबंध में पारित राज्यादेश को पुनः प्रत्यारित करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाया जाए, नहीं तो किसानों को उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मेरे मंडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी किसानों ने हमारे यहाँ मंडलगढ़ SDM कोर्ट में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ये बताया कि ये जो अफीम का डोडा चूरा होता था, पहले इसको किसानों से ठेकेदार के द्वारा खरीदा जाता था, परंतु आजकल सरकार ने एक नया निर्णय बना के ये नया डर्रा चलाया है, तो उसको नष्ट जलाते हैं। तो किसान का जो इतना पैसा खेती करने में, उसको बड़ा करने में जो भी पैसा खर्च होता है, उसका पहले पैसा मिलता था डोडा चूरे का, अब आज कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज पूरे क्षेत्र के किसानों ने ये आंदोलन के लिए आज पहली बार उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है, और आगे सरकार हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और मेरा एक निवेदन है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आम किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब पैसा उनको मिले, और जो भी सरकार डिसीजन करे, परंतु ये जलाने का काम खराब है, या तो इनको क्षतिपूर्ति दे के जलाओ या फोकट में जलाना, बहुत गंदी बात है। ये सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।